नमस्कार मित्रों, स्टडी विद लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि आपकी 49,568 पद की वैकेंसी का रिजल्ट कब आ रहा है और साथ ही साथ दरोगा भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। आइए पूरी खबर को हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन कि अगर आप यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए फर्स्ट अपडेट पर हम लोग आते हैं दरोगा की सीधी भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की ताज़ा खबर है, दरोगा की सीधी भर्ती में भी बड़ी राहत। पुलिस विभाग में दरोगा की सीधी भर्ती युवाओं के लिए अब आसान होगी। अब चार विषयों की लिखित परीक्षा में प्रत्येक पत्र में 50-50 अंक की जगह 35-35 अंक ही पाना जरूरी होगा। हालांकि लिखित परीक्षा में औसतन 50% अंक यानी 200 नंबर लाने ही होंगे। योगी कैबिनेट ने इसके लिए यूपी उपनिरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में 6ठे संशोधन को मंजूरी दे दी और उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती के लिए 100-100 अंक के चार पेपर होते हैं। मौजूदा नियम के अनुसार इस पेपर में 50-50 अंक लाना अनिवार्य था। प्रत्येक विषय में 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह फैसला लिया गया है और हर पेपर में कम से कम 35 अंक लाना होंगे और लेकिन चारों पर कुल 50% अंक लाना जरूरी है। पहले हर पेपर में 50-50 अंक लाना अनिवार्य था। तो यहाँ पर आपको ये सब जानकारी दी गई है कि 35-35 नंबर हर पेपर पे अब लाना अनिवार्य होगा। पहले जैसे कि बताया गया था कि 50-50 नंबर के पेपर होते थे चार, लेकिन अब पहले 50 नंबर लाना अनिवार्य, लेकिन अब 35 नंबर लाना अनिवार्य हो गया है। तो इसके साथ साथ सेकंड अपडेट हम आपको देते हैं। अपडेट है आपको यूपी 49,568 पदों की वैकेंसी का रिजल्ट कब आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ आपकी 49,568 पदों की वैकेंसी का रिजल्ट 30 जुलाई तक आपका जारी कर दिया जाएगा। 30 जुलाई तक आपका रिजल्ट 49,568 पदों की वैकेंसी का जारी कर दिया जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया।